तो यार इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न में है कि गैप ईयर ले ना ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन है कि मैं 12th के बाद 1 साल का गैप ले लूँ, 2 साल का मतलब रेस्ट ले लूँ। मतलब बहुत सारे लोगों के प्लान्स भी होंगे कि हमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, या बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अरे यार क्या ही दिक्कत है और कर लेंगे आराम से, 1 साल का गैप ले लेते हैं। मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी देखो गैप ईयर लिया था और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी थी। तो मेजरली अकेडमिक्स की बात नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन 1-to-1 ऐसी मैं आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो हो सकता है कि आपको मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो मेजर आपको ये डिफरेंस पता लगेगा, क्योंकि मैं अपने से बताता हूँ कि मेरे 3 साल की डिग्री मतलब 4 साल की डिग्री है, 3 साल की ख़त्म होने वाली है, और 3 साल के अंदर मैं अपने क्लासमेट से कोऑर्डिनेशन कभी बना ही नहीं पाया, किसी भी बच्चे से कोऑर्डिनेशन में बना ही नहीं पाया, क्योंकि मैं गैप लेके आया था, वो बच्चे स्कूल से आए थे सीधे डायरेक्ट, सही है। तो मेरा जो माइंड जिस लेवल का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक तरीके से मेरा माइंड था ना, वो अलग तरीके से मेकअप था, क्योंकि जब आप गैप लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको क्रिएट होता है, क्योंकि स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल फ्रेश बच्चे आते हैं, सही है। उनका मतलब वही बिहेवियर होता है, बचपना होता है, और वो अच्छा भी चीज़ें हैं, उसको बेकार नहीं कहेंगे। तो आप अपनी लाइफ को पूरा जी पाते हो, सही है। लेकिन अगर आप गैप लेके आते हो तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि एज डिफरेंस तो आता ही है, उसके बाद ये आता है कि आप कोऑर्डिनेशन बिठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मेरा बीटेक ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और मैं अपना कोऑर्डिनेशन इन 4 साल के अंदर मैं बिठा ही नहीं पाया, अपने दोस्त नहीं बना पाया। मैं इतने ज़्यादा अब दोस्त मैंने बनाए ऐसा नहीं है, मैंने फ्रेंडशिप करी, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होता है एक तरीके से, क्योंकि जब आपके एज वाले बंदे आपके साथ होते हैं, और मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं कि स्कूल से और गैप ईयर लेने के बाद बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है। तो मैंने मैंने अपनी लाइफ में ये महसूस करा कि इन 4 साल के अंदर मैंने फ्रेंड्स बनाए, लेकिन वो जो एक एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, मैं इस चीज़ों को नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लैग करा उन चीज़ों में, क्योंकि मैं गैप ईयर लेके आया था, तो मैं हमेशा कंपैरिजन मतलब मेरा माइंड अलग लेवल का था, उनका माइंड अलग लेवल का था, उनको छोटी छोटी मतलब ग्रुप्स में मज़े आते थे, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे कि हम लोग एक साथ लंच खा रहे हैं और मतलब गॉसिप कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मेरे लाइफ से निकल गई थी, सही है। मैं इतना ज़्यादा गॉसिप नहीं करता था उसके बाद, क्योंकि मैंने जब गैप ईयर लिया था तो मैं एकदम आइसोलेट हो गया था। तो आइसोलेट होने के बाद फिर जब आप आइसोलेट एक बार हो जाते हो, सारे कनेक्शन टूट जाते हैं आपके दोस्तों से, तो फिर आपका वो मेंटल स्टेट अलग हो जाती है। तो मैं वो अपने बीटेक के ज़रिए मैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाया, सही है। तो एक चीज़ का याद रखना, अगर आप लोग गैप ईयर ले रहे हो, अकेडमिक्स पे का नहीं पता, लेकिन अकेडमिक्स में भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं दिक्कत होती है, लेकिन मेंटली जब आप कोई भी कोर्स करोगे और गैप ईयर लेने के बाद जब आपकी एज हल्की सी बढ़ जाएगी, चाहे वो 1 साल की एज हो चाहे 2 साल की एज हो, जब वो डिफरेंस आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन, अगर आपको अपना कोऑर्डिनेशन एकदम 1-to-1 चाहिए तो गैप ईयर मत लेना। और अगर आपको लगता है, और अगर आप लोगों के स्पेसिफिक प्लान है कि मेरा स्पेसिफिक प्लान है कि मैं IIT की तैयारी करूँगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करूँगा, और आपका एकदम माइंड क्लियर है, तब तो गैप ईयर लेने की सोचना, मज़े में गैप ईयर मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। और मतलब पर्सनली फिर आप इतना ज़्यादा, अगर आप लोग ज़्यादा जल्दी मतलब अपने दिमाग से बड़े हो गए, मतलब दिमाग से इन द सेंस आपके अंदर मैच्योरिटी कहीं गलती से आ गई ज़्यादा जल्दी, तो फिर आपका कोऑर्डिनेशन बिठाना मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाओगे और फिर कॉलेज लाइफ को मज़े नहीं कर पाओगे, सही है ना। तो गैप ईयर सोच समझ के लेना, और यही वीडियो थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यही था कि यार देखो आप वही था, आप लोग 1-to-1 मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और मेजरली यार आपको मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी होता है कि 3-4 साल की डिग्री होती है, तो वो सारी चीज़ वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जब आप जिस क्लास में हो उस क्लास में अगर आपके एज के बच्चे हैं, आपके आपके माइंड के लेवल के बच्चे हैं मतलब, तो आपको फिर उस चीज़ों में मज़ा भी आएगा कि वो गॉसिप कर रहा है तो आपका भी मन है गॉसिप करने का, मतलब उस लेवल का आपकी माइंड हो, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना कैसी लगी वीडियो, और आप लोग अपने शेयर करना कि अगर आप गैप लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।